और फॉर्मल मॉडल ऑफ कंजम्पन एंड सेविंग द बजट कंस्ट्रेंट सो टू कीप आवर मॉडल सिंपल वी आर टेकिंग समम्पन्स फर्स्ट अदम्पन ये है कि हमारा एनालिसिस जो है ये टू टाइम पीरियड्स के लिए okay? एक प्रेजेंट पीरियड और दूसरा फ्यूचर पीरियड ये हम इसलिए भी ले रहे हैं ताकि हम अपने अनालिसिस को एक टू डायमेंशनल स्पेस में हम इसको ग्राफिकली आ, कर सकें तो इसलिए हम अपना टाइम पीरियड टू ले रहे हैं और इसके साथ कुछ हम और वैल्यूज़ ले रहे हैं करंट इनकम ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये गिवन है नोमरिकल वैल्यूज़ भी हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें बाद वाली चीज़ें समझना आसान हो जाए सो करंट इनकम वाई इज़ इस टू थाउजेंड फ्यूचर इनकम भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें आज मालूम है और इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है यह है थर्टी थ्री थाउजेंड और प्रेजेंट पीरियड के स्टार्ट में हमें जो वेल्थ अवेलेबल है इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं और ये भी गिवन है इट्स वैल्यूज़ एटीन थाउजेंड और इंटरेस्ट रेट टेन परसेंट तो ये कुछ वैल्यूज़ हम ले रहे हैं इनकी मदद से हम अपने बजट कंस्टेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे सो चॉइस वेरिएबल क्या ये तो वो वेरिएबल थे जो हमें गिवन थे ना करंट इनकम फ्यूचर इनकम करंट वैल्यू ऑफ वेल्थ एंड द इंटरेस्ट रेट चॉइस वेरिएबल जो हमने चूज़ करने हैं जो कंज्यूमर ने अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए उसके पास क्या चॉइस वेरिएबल नंबर एक एफ एफ स्टैंड फॉर वेल्थ एट द बिगनिंग ऑफ द फ्यूचर पीरियड सेकेंड सी करंट कंजम्पशन ये उसका चॉइस वेरिएबल है कि वो कितनी आज कंजम्पशन करना चाहता है और कितनी फ्यूचर पीरियड में कंजम्पशन तो ये उसके तीन चॉइस वेरिएबल्स हैं करंट कंजम्पन फ्यूचर कन्जम्प्शन एंड वेल्थ एट द बिगनिंग ऑफ द फ्यूचर पीरियड ओके एफ एफ से मुराद क्या है वेल्थ एट द बिगनिंग ऑफ द फ्यूचर पीरियड इसको अगर हम डिफाइन करें तो दिस इज़ वाई वाई वट इज वाई वाई इज यंट इनकम प्लस ए ए इज यर करंट अमाउंट ऑफ वेल्थ ठीक है ये टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं करंट पीरियड में वाई प्लस ए आपको माइनस सी सी इज़ योर करंट कन्जम्पन तो वाई प्लस ए में से सी जब आप माइनस कर देंगे तो दिस विल बी योर जो आपने सेविंग एक्चुअली सेविंग तो हम डिफाइन करते हैं वाई माइनस सी को तो ये टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज़ थे वाई प्लस ए और सी हमने उसमें से खर्च कर लिए तो बाकी जो हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर फ्यूचर पीरियड और ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं फ्यूचर पीरियड में हमें जब हम इनको इन्वेस्ट करेंगे तो इस पर हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा तो वो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं हम इसे वन प्लस आर से मल्टीप्लाई करेंगे नुमरिकल वैल्यू से यूज़ करें वाई के लिए फोर्टी टू थाउजेंट हमने वैल्यू की है ए के लिए एटीन थाउजेंड माइनस सी इंटू वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन मीन्स टेन परसेंट इंटरेस्ट रेट सो इस तरह से इस फार्मूले में अगर हमें सी की वैल्यू मालूम हो तो किसी भी सी की वैल्यू के लिए हम अपनी फ्यूचर वेल्थ की वैल्यू यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं और इसी से फिर हमारे पास फ्यूचर कंजम्पशन डिटरमिन हो जाएगी सी एफ इज़ द फ्यूचर कंजम्पशन ठीक है और वाई प्लस ए माइनस सी इंटू वन प्लस आर ये क्या था ये आपके पास वेल्थ थी फ्यूचर पीरियड में जो अवेलेबल थी एंड वाई एफ़ इज़ द इनकम जो आप सेकेंड पीरियड में कंज्यूमर जो अर्न करेगा तो एक तो वो फर्स्ट पीरियड से कुछ कैरी कर रहा है रिसोसेस सेकेंड पीरियड के लिए और प्लस सेकेंड पीरियड में वो कुछ अर्न भी कर रहा है तो ये सब मिलकर उसके लिए अवेलेबल होंगे फॉर द कन्जम्पन इन द सेकेंड पीरियड और चूंकि हमने अज्यूम किया कि उसका लाइफ स्पैन जस्ट इन टू पीरियड्स पर मुश्तमिल है तो जो भी उसके पास सेकेंड पीरियड में टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे वो सारे के सारे सेकेंड पीरियड में वो स्पेंड कर लेगा सो सी एफ विल बी इक्वल टू दिस तो इसको हम इस कॉन्टेक्ट में बजट कंस्ट्रेंट भी कहेंगे नोमरिकल वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये वैल्यूज़ तो ऊपर वाली हैं ठीक है और प्लस थर्टी थ्री थाउजेंड उसकी फ्यूचर इनकम है ये ऐड करेंगे तो ये टोटल अवेलेबल रिसोर्स होंगे सेकेंड पीरियड में उसके पास कंजम्पशन के लिए तो ऑबियसली वो इन रिसोर्स से ज़्यादा वो नहीं खर्च कर सकता इसलिए दिस इज़ एज़ बजट कंस्ट्रेंट और ग्राफिकली अगर हम इस सारी बात को समझना चाहें तो मैंने बताया था कि हमारे पास टू टाइम पीरियड्स हैं तो टू डायमेंशनल स्पेस में हम इसको समझ सकते हैं हॉरिजेंटल एक्सेस पर हम करंट कंजम्पशन ले रहे हैं और वर्टिकल एक्सेस पर फ्यूचर कंजम्पशन ले रहे हैं सो हॉरिजेंटल एक्सेस पर ये जो इंटरसेप्ट वैल्यू है नाइन्टी थाउजेंड की अगर हम उन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो क्या था लास्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके पास करंट इनकम थी फॉर्टी टू थाउजेंड राइट और उसके पास इनिशियल वेल्थ थी एटीन थाउजेंट और उसके पास फ्यूचर में थर्टी थ्री आने थे तो थर्टी थ्री थाउजेंड को वो अपने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके तो वो टोटल नाइन्टी थाउजेंड उसके पास अवेलेबल इसका मतलब ये है कि अगर वो अपनी फ्यूचर कन्जम्पन को ज़ीरो कर दे तो करंट पीरियड में एट द मोस्ट कंज्यूमर कैन कंज्यूम नाइन्टी थाउजेंड और वर्टिकल जो इंटरसेप्ट है वो नाइन्टी नाइन थाउजेंट है ये अभी हम इसको दोबारा कैलकुलेट भी करेंगे इन सारी वैल्यूज़ को तो ये क्या है कि जब उसकी करंट कंजम्पशन जीरो है तो एट द मोस्ट इट कैन कंज्यूम नाइन्टी नाइन थाउजेंट इन द सेकेंड पीरियड और इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने से ये जो लाइन बन रही है दिस इज़ द बजट कंस्टेंट ये बजट कंस्टेंट एक्चुअली इन तमाम कम्बिनेशनस को करंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर कंजम्पशन के कॉम्बिनेशन को रिफ्लेक्ट कर रही है जिस पर वो अपने टोटल लाइफ टाइम रिसोर्स जो उससे पता चल रहे हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पॉइंट बी को समझना चाहें तो बी पर क्या है बी ये शो कर रहा है कि करंट पीरियड में उसकी कंजम्पशन फिफ्टीन थाउजेंड है और फ्यूचर पीरियड में उसकी कंजम्पशन एटी टू थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड है ठीक है इसको आप इस तरह से समझें कि अगर वो करंट कंजम्पशन जीरो करता है तो एट द मोस्ट फ्यूचर में वो नाइन्टी नाइन थाउजेंड खर्च कर सकता था लेकिन चूंकि उस 99 में से वो करंट पीरियड में 15,000 थाउजेंड खर्च कर रहा है तो उसकी वजह से उसकी फ्यूचर कंजम्पशन इतनी कम हो जाती है एंड सो ऑन इसी तरह बाकी तमाम सी डी ई और बाकी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ये वो कॉम्बिनेशन होंगे जो सी और सी एफ की वैल्यूज़ हैं जिन पर उसके टोटल लाइफ टाइम रिसोर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं इट इज़ अ नेगेटिवली स्लोप लाइन वाई बिकॉज जब भी आप करंट कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो आपको फ्यूचर कंजम्पशन कम करना पड़ेगी डेट्स वाई इट इज़ नेगेटिवली स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा ये डिटर्मन होगा इंटरेस्ट रेट से ओके इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा ये लाइन उतनी स्टीप होगी और इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा ये लाइन उतनी कम होगी ये हम टेन परसेंट अज्यूम कर रहे हैं इसलिए ये वन पॉइंट वन ज़ीरो सारी बात को हम एक और कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ये कॉन्सेप्ट भी आप फाइनेंस के किसी कोर्स में आप इनसे फेमिलियर होंगे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक शख्स के पास आज अगर एक सौ रुपए हैं और वो अगर उसे बैंक में रखता है और टेन परसेंट इंटरेस्ट रेट है तो साल के बाद उसे एक सौ दस रुपये मिलेंगे तो एक साल के बाद एक सौ दस रुपये जो मिलने वाली है अमाउंट उसकी प्रजेंट वैल्यू हंड्रेड रुपयी है या आज के हंड्रेड रुपी की फ्यूचर वैल्यू वन टेन ठीक है थीके? ये कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंपल फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस आय आय अगर आप नॉमिनल टर्म्स में बात कर रहे हैं तो आय इज द दामिनल इंटरेस्ट रेट और अगर आप रियल टर्म्स में बात करेंगे तो फिर आई की बजाय आप आर को यूज़ करेंगे रियल इंटरेस्ट रेट सो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू यानी फ्यूचर को अगर आपने प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है तो उसे वन प्लस आई से डिवाइड करेंगे प्रेजेंट को अगर आपने फ्यूचर में कन्वर्ट करना है तो उसको वन प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम रिसोर्सेज पी वी एल आर यानी उस इंडिविजुअल के पास जो लाइफ टाइम लाइफ उसकी दो दो पीरियड्स पर मुश्तमिल है करंट पीरियड एंड फ्यूचर पीरियड राइट करंट पीरियड में उसके पास क्या अवेलेबल था एक तो इनकम वाई जो वो अर्न कर रहा था फ्राम इस लेबर सर्विसेज ठीक है प्लस उसके पास जो वेल्थ थी ए प्रेजेंट पीरियड में अवेलेबल है और वाई एफ उसे फ्यूचर सेकेंड पीरियड में मिलनी थी और उसको वाई एफ़ को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने आपको बताया इसको वन प्लस आर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये इस तरह से आपके पास टोटल लाइफ टाइम रिसोर्स जो हैं उसके पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है और इसी तरह से आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम को अगर आप समझना चाहें तो सी उसकी प्रेजेंट वैल्यू में कंजम्पशन है ठीक है और सी एफ उसके फ्यूचर पीरियड में कंजम्पशन थी और फ्यूचर पीरियड की कंजम्पशन को जब आप प्रेजेंट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फार्मूला वही है उसे वन प्लस आर से डिवाइड कर देंगे तो ये फ्यूचर कंजम्पशन की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी तो ये इक्वेशन आपके पास सी प्लस सी एफ ओवर वन प्लस आर दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम कंजम्पशन और बजट कंस्टेंट क्या होगी बजट कंसटेंट यही सिंपल कि वो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम कंजम्पशन है इट शुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम अवेलेबल रिसोर्सेज तो इन दोनों को आप इक्वेट कर देंगे तो ये उसकी बजट कंस्टेंट बन जाएगी तो इसको बजट लाइन के हवाले से एक दफ़ा फिर मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ कि नाइन्टी थाउजेंड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लाइफ टाइम रिसोर्सेज है ओके एंड नाइन्टी नाइन थाउजेंड इज़ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द लाइफ टाइम रिसोर्सेज तो कदम और इस बजट लाइन पर आने वाले डिफरेंट पॉइंट्स इन दोनों प्रेजेंट कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ज़ाहिर करता है ये जो ट्राइंगल बन जाती है ये वाली ट्राएंगल ठीक है ये ट्राइंगल ये बता रही है कि ये उसके पास स्पेस अवेलेबल है कंज्यूमर इस स्पेस को से बाहर नहीं जा सकता ठीक है वो करंट और फ्यूचर कंजम्पशन का वो वाला पेयर चूज़ कर सकता है जो इस ट्राइंगल की बाउंड्रीज़ पर या इस ट्राइंगल के अंदर मौजूद है इस ट्राइंगल से बाहर वाला कोई भी पॉइंट उसके लिए अनअटेनेबल है ओके okay? तो ये बजट कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट था